मॉन्स्टर यह 2023 में रिलीज हुई एक जापानीज फिल्म है जिसे हिरोकाजू कोरेइडा ने डायरेक्ट किया है, जिन्होंने शॉपलिफ्टर, लाइक फादर लाइक सन, ब्रोकर जैसी बेहतरीन फिल्में बनाई है। इस फिल्म को कांस फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट स्क्रीन प्ले के अवार्ड से नवाजा गया है। तो आप समझ सकते हैं कि फिल्म के राइटर यूजी साकोमोटो ने किस तरह से इस फिल्म की स्टोरी लिखी होगी। तो चलिए फिल्म के एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं। यह फिल्म नॉन लीनियर तरीके से दिखाई गई है। यह इस फिल्म के स्टोरी टेलिंग की स्ट्रॉन्ग साइड है। फिल्म में बहुत सी डिटेलिंग है, तो उतना सब कुछ तो हम यहाँ नहीं बता सकते, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। फिल्म में हमें 3 डिफरेंट पर्सपेक्टिव से दिखाई गई है, जहां फर्स्ट में हमें मेन कैरेक्टर मिनातो मुजिनो की माँ साउरी मुजिनो के पर्सपेक्टिव से स्टोरी दिखाई जाती है। फिल्म की कहानी शुरू होती है और हमें एक बिल्डिंग में आग लगी हुई दिखाई जाती है। उस जलती हुई बिल्डिंग के सामने वाले बिल्डिंग में साउरी मुजिनो अपने बेटे मिनातो के साथ रहती है, जो एक सिंगल मदर है। वे दोनों गैलरी से उस सामने वाली जलती हुई बिल्डिंग के तरफ देख रहे होते है। तब मिनातो सामने देखकर अपनी माँ से एक सवाल पूछता है कि अगर इंसान के दिमाग को अगर एक सुअर के दिमाग से बदल दिया जाए तो उसे हम इंसान कहे या सुअर। और इसी सवाल पर फिल्म आगे शिफ्ट होती है। इस फिल्म में ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे सीन और शॉट्स है जो शुरुआत में तो समझ में नहीं आते, लेकिन आखिर में सब कुछ क्लियर हो जाता है। आगे एक दिन हम मिनातो को घर पर ही अपने सर के बाल कट किए हुए सौरी को पता चलता है। सौरी को थोड़ा सरप्राइज होता है कि मिनातो ने ऐसा क्यों किया होगा। अगले दिन घर आने पर सौरी देखती कि मिनातो का एक जूता गायब है। दूसरे दिन सुबह जब सौरी मिनातो की वाटर बॉटल को साफ करने के लिए उसे खोलती है, तब वो उसमें मिट्टी और कंकड़ पाती है। इस पर मिनातो अपनी माँ को यह एक साइंस एक्सपेरिमेंट के लिए था ऐसे बताता है, और उसकी बैग में उसे एक लाइटर भी मिलता है। ऐसे कुछ दिनों से मिनातो कुछ अजीब हरकतें कर रहा होता है। यह सौरी नोटिस करती है पर कुछ बोलती नहीं। उस रात मिनातो जल्दी घर नहीं आता। तब सौरी को कुछ फोन करने के बाद पता चलता है कि उसे लास्ट में साइकिल से जंगल की तरफ जाते हुए देखा था। फिर वो उसे ढूंढने जंगल की तरफ जाती है। तब उसे एक जगह उसकी साइकिल खड़ी मिलती है। आगे जंगल में जाने के बाद उसे पुराने ड्रेनेज वाटर टनल से मिनातो की आवाज सुनाई देती है, जो हु इज मॉन्स्टर ऐसा कह रहा होता है। फिर सौरी अपने बेटे मिनातो को ढूंढ लेती है और कार से उसे वापस लेकर आ रही होती है। तब मिनातो एक बार पीछे मुड़कर देखता है और थोड़ी देर में चलती गाड़ी से नीचे कूद जाता है, जिसकी वजह से उनके गाड़ी का एक्सीडेंट होता है। फिर दोनों हॉस्पिटल में चेकअप करके और जख्मों का इलाज करके वापस आ रहे होते हैं। तब मिनातो अपनी माँ से पूछता है कि मेरे सर का एक्सरे सीटी स्कैन सब कुछ ठीक है ना। फिर वो बोलती है कि हाँ ठीक है। फिर वो अपने बेटे के तरफ देखती है और पूछती है कि क्यों, क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो। तब अपने खामोश बेटे को देख कर वो और ज्यादा सवाल पूछने लगती है। तुम्हारा एक जूता कहाँ है, स्कूल में कुछ हुआ क्या, तुम्हें किसी ने कुछ कहा क्या, तुम अपने बाल क्यों काटे। तब मिनातो बोलता है कि मैं एक मॉन्स्टर हूँ और मेरा दिमाग एक सुअर के दिमाग के जैसा है, ऐसा सब बोलते हैं। और फिर वो वहाँ से भागने लगता है। फिर सौरी उसके पीछे भागकर उसे पूछती है कि तुम्हें ऐसा किसने कहा। तब वो अपने टीचर मिस्टर होरी का नाम बताता है। अगले दिन सौरी मिनातो के स्कूल में जाती है और वहाँ के प्रिंसिपल से मिलती है और बताती है कि मिस्टर होरी ने मिनातो का कान पकड़कर जोर से खींचा, जिसकी वजह से उनके कान से खून निकलने लगा, और कहा कि तुम्हारा दिमाग एक सुअर का दिमाग है, जब तक इसे मार नहीं पड़ेगी तब तक यह ठीक नहीं होगा। थोड़ी देर में वहाँ दूसरे टीचर आ जाते हैं और तब वहाँ से प्रिंसिपल चली जाती है। तब सौरी को एक टीचर बताता है कि प्रिंसिपल मैम ने रिसेंटली एक एक्सीडेंट में अपने ग्रैंड चाइल्ड को खो दिया है। अगले दिन वापिस वो प्रिंसिपल को मिलने जाती है। तब वहाँ टीचर होरी भी होते हैं। तब उसे बताया जाता है कि टीचर होरी आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। फिर होरी अपना सिर नीचे झुकाकर अपनी गलती की माफ़ी मांगते हैं। उनके साथ साथ सभी टीचर और प्रिंसिपल भी सौरी की सर झुकाकर माफ़ी मांगते हैं। फिर सौरी उन्हें ऐसा ना करके नीचे बैठने के लिए कहती है, पर जब टीचर होरी माफ़ी मांग रहे होते हैं तब वे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है ऐसा बोलते हैं। और फिर सौरी उसे पूछती है कि कैसी मिसअंडरस्टैंडिंग, आपने मेरे बेटे को मारा है। फिर प्रिंसिपल भी सौरी से कहती है कि अगली बार कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी।
फिर लास्ट में सऊरी होरी को पूछती कि आपने मेरे बेटे मिनातो को मारा या नहीं, यस और नो में आंसर दो। तब मिस्टर होरी कुछ भी नहीं बोलते, ना ही अपनी गलती मानते हैं, और वो कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, यह एक मिसअंडरस्टैंडिंग है और आप एक सिंगल मदर हो इसलिए अपने बेटे के प्रति चिंतित हो, हम समझ सकते हैं और आगे स्कूल के तरफ से आपको सही से जानकारी दी जाएगी। लास्ट में और एक बार सब खड़े होकर सर झुकाकर सौरी की माफ़ी मांगते हैं, पर सौरी इस पर खुश नहीं होती है क्योंकि उन्होंने अपनी गलती नहीं मानी थी। आगे कॉरिडोर में से सौरी जा रही होती है, तभी टीचर होरी आकर उसे बताते हैं कि मिनातो स्कूल में योरी होशिकावा नाम के एक लड़के को बुली करता है। यह सुनकर मिनातो की माँ और गुस्सा होती है और दोनों में बहस होती है। इस बात का सच ढूंढने के लिए मिनातो की माँ होशिकावा के घर जाती है और उसे मिलती है। फिर उसे वहाँ मिनातो का एक जूता भी मिलता है। पूछने पर उसे पता चलता है कि खुद मिनातो ने उसे वो दिया है। फिर वो उसे पानी लाकर देता है। तब सौरी देखती है कि उसके हाथ पर जलने के निशान है। फिर वो उसे पूछती है कि क्या तुम्हें स्कूल में बुली किया जाता है। तब वो कुछ नहीं बोलता। अगले सीन में योरी होशिकावा को प्रिंसिपल रूम में बुलाया जाता है और पूछा जाता है कि क्या तुम्हें मिनातो बुली करता है। तब वो नहीं बोलता और फिर बोलता है कि टीचर होरी ही मिनातो को मारता है। सभी बच्चों को पता है पर वो कभी बोलते नहीं क्योंकि सभी बच्चे डरते हैं। फिर सभी टीचर बाहर जाने लगते हैं। फिर सौरी प्रिंसिपल को बोलती है कि मुझे पता है कि आपने अपने ग्रैंड चाइल्ड को खो दिया है, जब गाड़ी पार करते हुए वो तुम्हारे हस्बैंड के गाड़ी के नीचे आया था, मैं आपका दुख समझ सकती हूँ। अगले सीन में टीचर पेरेंट मीटिंग में टीचर होरी अपनी गलती मानते हैं और माफ़ी मांगते हैं, जिसकी न्यूज़ भी छपकर आती है, जिसके चलते उसे अपने टीचर की नौकरी खोनी पड़ती है। अगले दिन मिनातो की माँ स्कूल आती है और उसे पता चलता है कि टीचर होरी मिनातो के पीछे भाग रहे थे, जिसके चलते मिनातो सीढ़ियों से गिर गया है। फिर सौरी बोलती है कि उन्हें अभी तक स्कूल से क्यों निकाला नहीं गया, वो अभी तक यहाँ क्यों है। फिर सौरी मिनातो को लेकर वापस जाती है। आगे रेडियो पर हमें पता चलता है कि एक तूफान आने वाला है, सभी तरफ जोरों की हवाएं चल रही होती है। अब यह स्टोरी का एक पर्सपेक्टिव खत्म होता है। हमने इसमें हर एक कैरेक्टर को लेकर अपनी एक राय बना ली है और स्कूल के सभी टीचर और मिनातो के अजीब बर्ताव को देखा है। तो अब हम अगले पर्सपेक्टिव से स्टोरी को देखते हैं। अब फिल्म टीचर होरी के पर्सपेक्टिव से दिखाई जाती है। कुछ दिन ब्रेक लेने के बाद प्रिंसिपल वापस स्कूल में आना शुरू करती है। स्कूल के नए टीचर होरी भी आए होते हैं। फिर प्रिंसिपल उनका वेलकम करती है। टीचर होरी भी स्वभाव से बहुत अच्छे दिख रहे होते हैं। आगे एक दिन टीचर होरी देखते हैं कि क्लासरूम में मिनातो दूसरे बच्चों की चीजें इधर उधर फेंक रहा होता है और गुस्से में होता है। फिर टीचर जाकर उसे संभालने लगते है। तब टीचर होरी का हाथ गलती से मिनातो के नाक पर लगता है। फिर टीचर मिनातो को पूछते है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम बाकी स्टूडेंट की चीजें इधर उधर क्यों फेंक रहे हो। फिर वो मिनातो को सभी क्लास को सॉरी बोलने के लिए कहते हैं। फिर जब मिनातो सॉरी बोलने के लिए अपना सर नीचे झुकाता है, तब उसके नाक से खून आने लगता है और नीचे टपकता है। अगले दिन सभी टीचर होरी के पास आते और बताते हैं कि सभी पेरेंट नीचे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तुम अब कुछ भी मत बोलो, अपनी साइड समझाने की कोशिश मत करो, बस अपनी गलती मान लो। फिर होरी सभी टीचर को समझाते है कि वो एक एक्सीडेंट था, उसका हाथ गलती से मिनातो के नाक पर लगा था, पर वो कहते हैं कि अगर तुमने अपनी गलती नहीं एक्सेप्ट की तो बात बढ़ जाएगी और स्कूल की बदनामी होगी। फिर आगे हमें पता चलता है कि असल में प्रिंसिपल ही वो गाड़ी चला रही थी जिससे उनके ग्रैंडचाइल्ड की डेथ हुई थी। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि योरी होशिकावा अपने क्लास में अपने जूते ढूंढ रहा होता है। तब टीचर होरी उसके जूते ढूंढ कर देते हैं। तब टीचर होरी को पता चलता है कि शायद कुछ बच्चे उसे बुली करते हैं। अगले सीन में टीचर होशिकावा के घर उसके पेरेंट्स से मिलने जाते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि असल में होशिकावा के पिता होशिकावा को बहुत ज्यादा टॉर्चर करते हैं और उसे एक मॉन्स्टर बोलते हैं और उसका दिमाग एक पिक का दिमाग है ऐसा बोलते हैं और बोलते हैं कि मेरी कोशिश चल रही है कि उसे इंसान में बदलने की। यह सुनकर टीचर होरी सुन रह जाते हैं। अगले दिन स्कूल में टीचर होरी देखते हैं कि मिनातो वॉशरूम से बाहर आता है और फिर होशिकावा को किसी ने लॉक कर दिया है। फिर होरी जाके दरवाजा खोलते हैं, तब होशिकावा थैंक्स कहकर वहां से चला जाता है।
तब टीचर होरी को लगता है कि शायद मिनातो ही हुशिकावा को बुली करता है। आगे सभी बच्चों को एक क्वेश्चनरीज दी जाती है जिसमें सवाल होते हैं कि क्या टीचर होरी आपको मारते हैं, आपके ऊपर चिल्लाते हैं। तब सब बच्चे यस लिख रहे होते हैं। टीचर होरी को सऊरी के वकील का कोर्ट ऑर्डर भी आता है। फिर उसे स्कूल से निकाल दिया जाता है। फिर वो अपनी बैग लेकर वहाँ से चले जाते हैं और जाते वक्त वो स्कूल के प्रिंसिपल से पूछते हैं कि उस दिन गाड़ी कौन चल रहा था। आगे हम देखते हैं कि होरी की गर्लफ्रेंड भी उसे छोड़कर चली जाती है। फिर दूसरे दिन उसकी तस्वीर अखबार में छपकर आती है और उसके बिल्डिंग में भी उसे पिगहेड के नाम से बुली किया जाता है। इससे टीचर की पूरी लाइफ खराब हो जाती है। इसी परेशानी में होरी स्कूल में जाकर मिनातो का पीछा करता है और एक जगह उसे पकड़कर पूछता है कि क्या सच में मैं तुम्हें मारता था क्या, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। फिर मिनातो उसे नहीं बोलता है और वहां से भाग जाता है। पर नीचे जाते वक्त वो सीढ़ियों से गिर जाता है और सबको लगता है कि होरी ने उसे धक्का दिया। फिर होरी स्कूल के छत पर चढ़कर सामने शहर की तरफ देखता है। आगे टीचर होरी वहां से शिफ्ट होने वाले होते है। तब मछलियां लेते वक्त उनका पैर फिसल जाता है और थोड़ा पानी होशिकावा के आंसर शीट पर पड़ता है। और जब टीचर होरी उस आंसर शीट को देखते हैं तब पता चलता है कि कुछ शब्द उसने उल्टे लिखे हैं। फिर वही टीचर उन्हें सॉल्व करने लगता है और सॉल्व करने के बाद उन्हें पता चलता है कि उसमें मिनातो का नाम लिखा हुआ है, जिससे पता चलता है कि मिनातो और होशिकावा दोनों दोस्त है। उसी वक्त टीचर होरी मिनातो के घर के बाहर जाकर उसे आवाज़ देता है और फिर उसकी माँ सऊरी को मिनातो से मिलने के लिए कहता है, पर मिनातो घर पर नहीं होता। फिर दोनों उसे ढूंढने जाते हैं। जंगल के तरफ जाते लोगों को पुलिस रास्ते में रोक रही होती है। तब उन्हें बताया जाता है कि तेज बारिश और तूफान के कारण मडस्लाइड होने का खतरा है, इसलिए आप आगे नहीं जा सकते। पुलिस के रोकने के बावजूद दोनों दौड़कर आगे जाते हैं। आगे जाकर दोनों उसी ड्रेनेज के टनल से मिनातो और होशिकावा को आवाज देते हुए आगे जाते हैं। फिर आगे जाकर वे दोनों रेलवे के एक डब्बे के पास पहुंचते हैं। फिर एक विंडो से मिट्टी हटाकर दोनों नीचे ट्रेल में देखते हैं। खिड़की खोलने पर उन्हें अंदर कोई नहीं मिलता। अब लास्ट में फिल्म मिनातो के पर्सपेक्टिव से दिखाई जाती है। एक जगह प्रिंसिपल खड़ी होती है और तभी वहां से होशिकावा जाता है और उसका लाइटर नीचे गिरता है। फिर प्रिंसिपल वो लाइटर उठाकर उसे देती है। मतलब शुरुआत में मिनातो को जो लाइटर मिला वो होशिकावा का होता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि किस तरह स्कूल के बच्चे होशिकावा को बुली करते थे और होशिकावा को बचाने के लिए किस तरह मिनातो दूसरे बच्चों की चीजें इधर उधर फेंकता था। आगे रास्ते से घर जाते वक्त हमें पता चलता है कि मिनातो और होशिकावा दोनों दोस्त है। फिर मिनातो अपना एक जूता होशिकावा को पहनने के लिए देता है क्योंकि स्कूल के बाकी बच्चे होशिकावा को बुली करते थे और उसके जूते छुपाते थे। फिर एक दिन साइकिल पर बैठकर दोनों घूमने जाते हैं। आगे दोनों उसी टनल से उस बंद रेलवे के डिब्बे में जाते हैं जहाँ दोनों खेलते हैं और उस जंगल में घूमते हैं। पर स्कूल में मिनातो होशिकावा से कभी भी बात नहीं करता। अब वो ऐसा क्यों करता था यह हमें आगे पता चलेगा। आगे एक बार फिर दोनों जंगल में जाते हैं। वहाँ उन्हें एक मरी हुई बिल्ली मिलती है। फिर दोनों मिलकर उस बिल्ली का अंत्य संस्कार करते हैं। तब आग ज्यादा न बढ़े इसलिए मिनातो अपने वाटर बॉटल में पानी भर के लाता है और उस आग को बुझाता है। इसी कारण मिनातो के बॉटल में मिट्टी और कंकड़ थे। फिर आगे दोनों मिलकर उस रेलवे के डिब्बे को डेकोरेट करते हैं और दोनों मिलकर अपना होमवर्क करते हैं और उसमें होशिकावा अपने दोस्त मिनातो का नाम उल्टा लिखता है। तब मिनातो उसे बोलता है कि टीचर होरी को पता चल जाएगा, पर वो बोलता है कि ऐसा नहीं होगा। उसके बाद होशिकावा मिनातो को बताता है कि वो अपनी दादी के पास रहने जाने वाला है और वही पास के एक स्कूल में एडमिशन लेने वाला होता है। फिर मिनातो उसे न जाने के लिए कहता है। फिर दोनों एक दूसरे के पास आते हैं। फिर एकदम से मिनातो वहां से भाग जाता है। आगे दूसरे दिन जब स्कूल में बाकी के लड़के होशिकावा को बुली कर रहे होते तब वो होशिकावा का रुमाल वापस उसे देता है। तब सभी बच्चे उसे कहते हैं कि मिनातो होशिकावा को पसंद करता है। तब न चाहते हुए भी मिनातो को होशिकावा से झगड़ा करना पड़ता है और फिर हम देखते हैं कि इसी कारण से उनके कान पर चोट आई होती है। फिर टीचर होरी दोनों को बताते हैं कि मैं तुम दोनों की कंप्लेन भी कर सकता हूँ, पर मैं ऐसा नहीं करूँगा। अगर तुम दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हो तो यह बात सीक्रेट रखूँगा, जिससे हमें टीचर होरी एक अच्छे टीचर है ऐसा दिखाई देता है।
फिर मिनातो अपने दोस्त से मिलने उसी फेवरेट प्लेस पर जाता है, पर आज होशिकावा नहीं आता। बहुत देर इंतजार करने पर जब रात होती है तब मिनातो अपने फ्रेंड होशिकावा को मैसेज करता है और फिर होशिकावा भी उसे रिप्लाई करता है कि वो भी वहाँ पहुँच गया है। यह मैसेज देखकर मिनातो खुश होता है, पर जब उसे टनल से कुछ आवाज़ सुनाई देती है तब वो अपने दोस्त होशिकावा को हुईज मॉन्स्टर कहकर पुकारते हुए आगे बढ़ता है, जैसे शुरुआत में हमने देखा था। पर उसे सामने अपनी माँ सोयूरी देखती है, फिर वो अपने बेटे को गले लगाती है। यह सब दूर से आ रहा होशिकावा देखता है और फिर वहीं से वापस लौट जाता है। फिर गाड़ी से वापस आते वक्त मिनातो को होशिकावा का फोन आता है, तभी वो गाड़ी से नीचे कूद जाता है और आगे जो हुआ हमने पहले देखा है। आगे एक दिन रात में मिनातो होशिकावा से मिलने जाता है, तब होशिकावा के पिता भी वहाँ होते हैं। वे मिनातो से कहते हैं कि अब हमारा होशिकावा की बीमारी खत्म हुई है और उसे अपनी दादी के घर के पास में रहने वाली एक लड़की से प्यार हुआ है और वो अपनी दादी के पास ही रहने जाने वाला है। फिर दोनों मिनातो को बाय कहकर अंदर चले जाते हैं। फिर जब मिनातो वहाँ से निकल रहा होता है तभी होशिकावा एकदम से बाहर आकर मिनातो को बोलता है कि आई एम सॉरी, मैंने झूठ बोला। फिर उसके पिता बाहर आकर उसे अंदर लेकर जाते हैं और उसे पनिश करते हैं। दूसरे दिन जब मिनातो स्कूल आता है तब नए टीचर उन्हें पढ़ाने आए होते हैं। तब पुराने टीचर हुरी आकर उसे सच में पूछते हैं कि क्या सच में मैं तुम्हें मारता था, तब वो नहीं बोलता है। और उसके बाद जब वो टीचर रूम में अपनी माँ के लिए वेट कर रहा होता है तब मिनातो खुद को सॉरी कह रहा होता है, पर यह बात प्रिंसिपल सुन लेती है। फिर पूछने पर मिनातो बोलता है कि उसे टीचर होरी के बारे में झूठ बोला था, उनकी कोई गलती नहीं थी। फिर टीचर भी बोलते हैं कि मैंने भी ऐसा किया था। फिर दोनों एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के रूम में होते हैं। प्रिंसिपल उसे एक इंस्ट्रूमेंट देकर उसमें हवा ब्लो करके वो इंस्ट्रूमेंट बजाने के लिए कहती है। तब मिनातो प्रिंसिपल को बताता है कि उसे किसी से प्यार है, पर वो यह बात किसी को नहीं बता सकता। अगर यह बात उन सबको पता चल गई तो मैं कभी खुश नहीं रह सकता। फिर प्रिंसिपल उसे समझाती है कि खुश रहना दूसरों पर नहीं बल्कि अपने खुद पर डिपेंड करता है। फिर भी अगर ऐसा कुछ है जो तुम किसी को नहीं बता सकते तो इस इंस्ट्रूमेंट में हवा ब्लो करके तुम्हें जो कहना है वो कह दो। फिर प्रिंसिपल और मिनातो दोनों उस इंस्ट्रूमेंट को बजाते हैं। उसके बाद मिनातो अब बिना झूठ बोले अपनी बात कहने के लिए होशिकावा के घर पर जाता है, पर वहाँ जाने पर वो देखता है कि होशिकावा बुरी हालत में बाथटब में पड़ा होता है और उसके पूरे शरीर पर लाइटर से जलाने के निशान होते हैं। फिर दोनों वापस अपनी उसी फेवरेट जगह पर जाते हैं और वही थोड़ी देर रुकते हैं और फिर दोनों दूसरी एक टनल से आगे निकल जाते हैं और इसी पर फिल्म ख़त्म होती है। फिल्म की स्टोरी सिंपल है, पर डिफरेंट पर्सपेक्टिव से स्टोरी दिखाने के कारण कुछ लोगों को यह फिल्म थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लगी होगी। अब मैं फिर से शॉर्ट में फिल्म को लीनियरली एक्सप्लेन करता हूँ। फिल्म फिफ्थ क्लास में पढ़ने वाले दो छोटे बच्चों के ऊपर बेस है जो अपनी सेक्सुअल आइडेंटिटी को लेकर अवेयर हो रहे हैं। हालांकि यूरी होशिकावा ने थोड़ा बहुत खुद को एक्सेप्ट कर लिया है, पर मिनातो अभी भी परेशान है। दोनों एक दूसरे को पहचान लेते हैं और दोस्त भी बन जाते हैं, पर अभी भी मिनातो खुद की सेक्सुअल आइडेंटिटी को समझ नहीं पा रहा होता है। इसलिए मिनातो स्कूल में कभी भी होशिकावा से दोस्ती नहीं रखता और जब दूसरे बच्चे होशिकावा को बुली करते हैं तब वो उसकी हेल्प भी नहीं करता। पर होशिकावा समझदार लड़का है, वो कभी भी इस बात पर मिनातो से नाराज़ नहीं होता। होशिकावा के पिता को यह बात पता थी, इसलिए वे होशिकावा को एक पेग हेड बोलते थे और उसे टॉर्चर करते थे। फिल्म की एंडिंग भी एब्स्ट्रैक्ट है, जो ऐसा दर्शाती है कि उन्होंने अपने सेक्सुअल आइडेंटिटी को एक्सेप्ट कर लिया है, पर डायरेक्टर ने कुछ भी क्लियर नहीं बताया है। आखिर में फिल्म के टाइटल की तरफ आते हैं। मेरे साथ साथ सभी को यह सवाल परेशान कर रहा होगा कि इस फिल्म का नाम मॉन्स्टर क्यों रखा गया है। तो अगर किसी को समझ में आ गया है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।